राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं चुनावी माहौल से। अगले साल से चुनावी घड़ियां शुरू हो रही है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बुरी खबर ये सामने आई कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ रही है। जी हां, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। दरअसल अभी देखने को मिला कि बहुत बड़ी संख्या में कई कांग्रेसी नेताओं ने टीएमसी का दामन थाम लिया। ऐसे में एक और जहां कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी को मजबूत कर रही है, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी पार्टी को नए तरीके से खड़े करने की कोशिश कर रही है, तो प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार है जो सेंध लगा रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो फिलहाल दिखता नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो ममता बनर्जी के इशारों पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो और उनको बहुत बड़ा फायदा मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस वक्त प्रशांत किशोर से नाराज भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया। आने वाले समय में सोनिया गांधी प्रशांत किशोर को अपने साथ चुनावों की रणनीतियों को लेकर काम करवाती नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव से पहले प्रशांत किशोर के हाव भाव ने बता दिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं खड़े, और इसी वजह से अब देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर से सोनिया गांधी ने दूरी बना ली है और कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया कि अब वो प्रशांत किशोर का साथ नहीं देंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह कमजोर पड़ रही है उस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है और कितना बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।